मोल रोड पर मुतालिबात के हक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज में दाखिल। मुतालिबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन लिए बगैर धरना खत्म करने से इनकार। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा, लेडी हेल्थ वर्कर्स डटी हुई है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हूं। जैसा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना आज चौथा रोज भी जारी है। चार रोज हो गए इस धरने को और अभी भी सैकड़ों की तादाद में खवातीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो पंजाब असेंबली के बाहर अपने डेरे जमाए हुए हैं। अगर आपको मेरे कैमरामैन अब्दुल लतीफ दिखा सकें तो आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद है इन लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स की, जिनके पास जो है इनके बर्तन और इनका सिलेंडर भी मौजूद है, जिससे ये खाने पीने की अशिया यहीं पे बनाकर जो है वो खा पी रही हैं और गुजर बसर भी कर रही हैं। इनके ये मुतालबात है कि इनकी जो डेली वेजेस हैं उनको ख़त्म करके इनको परमानेंट किया जाए ताकि इनकी जॉब सिक्योरिटी मिल सके और इनकी अपग्रेडेशन, जो इनके रैंक्स के अंदर अपग्रेडेशन है, वो इनको जल्द से जल्द की जाए। इनको कहना है कि कई सालों से ये अपनी नौकरियां कर रही हैं लेकिन इनको अब तक कईयों को पक्का नहीं किया गया और कईयों के रैंक्स की जो अपग्रेडेशन है, ग्रेड्स की, वो नहीं की गई। इनको जल्द से जल्द की जाए और जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक ये अपने धरने को जारी रखेंगी। एहतजाज के बाइस माल रोड की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा चार रोज से बिगड़ी हुई है। ट्रैफिक की सूरत हाल जो के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर डाइवर्जेंस लगा के जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बहाल रहे। दूसरी जानब अगर सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये मौकफ सामने आया है कि इनकी जो मुतालबात हैं तमाम तर माने जा रहे हैं लेकिन उनका ये कहना है कि इस एहतजाज के अंदर कई सियासी रंग नज़र आ रहे हैं। जी।